जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाए, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। आदम भाई, एक बंदा आया था, मैंने देखा शायद पहले ही, इरफान नाम का। गोली मारे उसको, आप अपनी बात करें। अरे भाई, उसने तो उसका टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया। उसने बोला था जब दोबारा आएगा ना तो उससे बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है रहमत लिल आलमीन, मोहम्मद कैसे है, सिर्फ वो समझा दे। आप जाना चाहता एक प्रॉपर्टी दिखाओ जिसकी वजह से कुछ भला हो गया, यही नहीं, मैं जाना चाहता हूं कि मोहम्मद कहता है कि वो रहमत लिल आलमीन है। अब आपने मुझे ये दिखाना है कि वो कैसे रहमत लिल आलमीन है। नहीं, यानी मुझे देखना है कि उसने वो कैसे इस दुनिया के लिए भला है, उसने कैसे इस दुनिया के लिए अच्छा रहमत किया। है, भला नहीं है, रहमत है। अरे रहमत का मतलब रहमत क्या होता है? भला नहीं होता, रहमत रहम करने वाला। ब्लेसिंग, रहम करने वाला, जो दुनिया पर रहम करता है, यानी कि अगर उसके साथ बुराई भी हो रही है तो वो अच्छाई करेगा, ये होता रहम। अगर वो बुराई का बदला बुराई से देगा तो ये रहम नहीं होता, ये इक्वालिटी होती है, अदलो इंसाफ होता है। रहमत का मतलब ये है कि उसने बुराई करने वाले से भी अच्छाई करनी है, ये रहमत होता है। भाई रहमत करने का मतलब होता है अच्छाई करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छाई नहीं, खाली अच्छाई नहीं, बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करना रहमत होता है। इसी को समझने की कोशिश करें, वरना जो आपसे भलाई कर रहा है उसके साथ भलाई करेंगे तो ये भलाई का बदला दे रहे हैं। अगर कोई बुराई कर रहा है उसके साथ बुराई करेंगे तो ये बुराई का बदला दे रहे हैं। इसे कहते हैं अदल, इसे कहते हैं इंसाफ। रहमत का मतलब है बुराई करने वाले से भी अच्छाई करना। अरे सुन तो भाई, सुन तो लो, परेशान हो गया ना भाई, ये भी, सुना ना। परेशान हो गए। अरे बोल ना भाई। अब सुनो मेरी बात, सुनो। जी अल्कोहल इस दुनिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? सीधे बोलो, यस और नो। बिल्कुल अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे अच्छा है? कैन यू प्रूव मी साइंटिफिकली दैट अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ? परफेक्ट। अल्कोहल से जो मेडिकेशंस बनती हैं, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमंस, चाहे वो गले की मेडिसिन हो, चाहे वो जुकाम की मेडिसिन हो। उसके अलावा अल्कोहल से आप वूंड साफ करते हैं जो आपको लग जाते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अल्कोहल जहर को खत्म करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की बहुत सारी वेरिएंट। आप कहां से डिग्री लिए बाबा? आप एक्सक्यूज कहां से भाई, डिग्री डाले राशिद भाई, मेरी बात? राशिद भाई एक बात, और अल्कोहल में बहुत राशिद सारी भाई वेरिएंट होते हैं। और देखो राशिद तो भाई और छोरी तले साल है, ओए साल जो है, आप साल है। अरे बात तो सुनो यार, अरे बात तो सांस ले जरा, तूने सवाल की जब तो जब आप लोग सवाल करते हो जवाब क्यों, जवाब ही नहीं लेना पसंद करते, सवाल ही क्यों करते आप। हो अगर जवाब नहीं लेना। अच्छा चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा है अगर उसको राइट तरीके से यूज किया जाए। ओके, यू अल्कोहल एक्सेप्ट दैट? जी हाँ, अब मैं बोलूं, जी बोले। आपने जो कहा अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक एज ए, आपने कहा, मैं कहता हूँ अल्कोहल है ही नहीं भाई, कहाँ से पढ़ते हो? एक होता है इथेनॉल, एक होता है प्रोपिनॉल, एक होता है ब्यूटिनॉल, अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अगर ये आप सारे के सारे इथेनॉल के वेरिएंट यूज बजाय, होते हैं। अरे भाई सुन तो ले, सुन तो ले, जो एंटीसेप्टिक यूज होते हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट ने पहले इथेनॉल को लीगलाइज किया था। चलो अरे सर, मुझे इथेनॉल, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, मैं जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपको जेनेरिक स्टेटमेंट्स का नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, तो लिहाजा मुझे ये मत बताएं कि आपको सिर्फ इसका पता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि अल्कोहल को आपके अल्लाह ने मिरेकल कहा है? एक बात सुनो अल्को आदम भाई, मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको YouTube पे जी देखा था ना, मेरे को आप बहुत लॉजिकल इंसान लगे थे। मैंने मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लॉजिकली इसका जवाब दोगे। सर, तो मैं अगर लॉजिकली दे रहा हूँ। आप एक एक सवाल को घुमा रहे हो, एवरी एवरी क्वेश्चन यू आर डिबेटिंग इट। आप एक भी सवाल का, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, आप मुझे मुझे ऐसा पता था सर आप ऐसा वो ही कुछ होता है, ये जब, मुझे ये देखिए बात सुने, ये जब आप लोग आते हैं ना और आपसे पर्सनल कहा अटैक शुरू कर देते हैं ना, अच्छा है, सुने, आपने कहा अच्छा ये है, जो जवाब दे रहा हूँ अल्कोहल अच्छा नहीं है। आप आप मानते लोग हैं जो अल्कोहल अच्छा है? सर, अल्कोहल अगर राइट तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है अगर राइट तरीके से यूज किया जाए, खाली बहुत अच्छा नहीं है। तो। अरे भाई अल्को, मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो नहीं, हम यूज इथेनॉल की करते बात हैं। नहीं हो रही, अल्कोहल, अल्कोहल कुरान में स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया गया हुआ है। वहां पे हाँ इथेनॉल नहीं जो, लिखा हुआ, वहां पे हाँ प्रोपिनॉल नहीं अम्बर लिखा हुआ। का, ठीक रसूल्ला है का तो ठीक अम्बर है, नहीं पता होगा, वहां इथेनॉल क्या है? पे जो अल्कोहल लिखा है वो वाला इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब जो हम पीते किस, हैं, जो ओके, नशे साबित पीते हैं, करें जो कि वो वाला पीते हैं। इथेनॉल है, प्लीज। ठीक है ठीक है, क्या उस वक्त अल्कोहल किसी जख्म के लिए यूज होता था?
prove me that the alcohol was used for bilkul, kind of injury. आप नहीं कर सकते. The absence of evidence is not evidence. यार एक सेकंड राशिद, राशिद एक सेकंड, ये क्या तकलीफ है तुम लोगों की कि तुमने कहा साबित करो और फिर साथ ही तुमने कह दिया कि तुम साबित नहीं कर सकते. आदम भाई बात किस पे चल रही है, अल्कोहल अच्छा है या बुरा? आपने कहा अच्छा है जब उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है. अरे भाई, अरे भाई, सबसे पहली बात आपने खुद ही कहा कि जनाब अल्कोहल को अच्छा साबित करो और फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप साबित नहीं कर सकते. ये कहां का इंसाफ है? मैंने कब कहा आप साबित नहीं कर सकते? अभी तुमने बोला आप साबित नहीं कर सकते. मैंने बोला आप ये साबित नहीं कर सकते कि उस वक्त जो अल्कोहल था वो अदर चीज के, वो कोई और काम के लिए यूज किया जा सकता था. मैंने ये कहा, मार्क माई वर्ड्स, इट्स इम्पोर्टेंट. आप गलत जा रहे हो. आप एक स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके दूसरा स्टेटमेंट नहीं बना सकते आलम भाई. ओके परफेक्ट. अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो अल्कोहल है वो हाँ, जल्दी बोलो सही यार. है क्या? मैंने बोला थोड़ा जल्दी बोलो. ओके मैं जल्दी बोल देता हूँ जनाब. मुझे बताइए कि जो अल्कोहल वहां पे तैयार हो रहा था वो कौन से वाला था, वो आप साबित करते हैं, बाकी मैं साबित कर दूंगा. क्या क्या बोलना है मुझे, वो किसके लिए क्या? वहां पे जो सा अल्कोहल यूज हो रहा था वो आप साबित कर दें, मैं आपको अपना अल्कोहल साबित कर देता हूँ. अच्छा, मुझे ये साबित करना है कि वहां पे जो अल्कोहल था वो इथेनॉल था, यही ना? जी सर करें. देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को. जो अल्कोहल यूज करते थे उस वक्त वो पीने के लिए यूज करते थे, नशे के लिए यूज करते थे. अच्छा यू नो दैट वेरी वेल. अच्छा अब ये मत कहना अल्कोहल वहां पे समंदर को साफ करने के लिए करते थे. नहीं, नहीं वो वो वहां पे जख्मों को साफ करने के लिए भी करते थे. नशे के लिए मेनली यूज होता था अल्कोहल. अब ये नहीं स्टेटमेंट क्लियर मेनली है? यूज होता था, लेकिन किसी और चीज के लिए भी यूज होता था ना. अच्छा मेनली, चलो मान लिया मेनली. आप यार नहीं, किसी और चीज के लिए भी यूज होता था, अरे यार बोला ना, मेनली यूज होता था ना नशे के लिए. लेकिन क्या वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था कि नहीं? चलो मान लिया हुआ होगा. तो अबू बकर ने नबेज मंगवाया था ना नंबर सफाई प्लेयर की करने के बैग. लिए, जख्मों की सफाई करने के लिए. अच्छा ठीक है, चलो मान लिया. तो बेहतरीन, मान लिया. मेनली तो सर बात मेनली खत्म हो किसी गई. लोग, आदम भाई सुनो तो यार, आप एक स्टेटमेंट को क्या ध्यान से नहीं सुन रहे हो. एक भी आंसर अभी आपने, अगर आप आंसर देते ना शायद मैं कन्विंस होता. जितना आप मैनिपुलेट करते हैं मतलब, ना उतना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनता जा रहा हूँ. क्या अब बच्चे वाली यार बात कर रहे हो तुम? तुम स्ट्रॉन्ग बनो या ना स्ट्रॉन्ग बनो ये बात नहीं है मेरी. आपने देखो, कहा है कि उस जमाने में अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज होता था. मैंने अभी आपको बताया कि वो जख्मों के लिए भी यूज होता था. चलो मान लिया, चलो मान लिया. मैं बोलता हूँ मेनली किसके लिए यूज होता था. अब मेनली चेंज, अब मेनली आ गया. आर्ग्यूमेंट चेंज, आर्ग्यूमेंट चेंज. क्या आर्ग्यूमेंट चेंज? अरे भाई आपके भलाई के लिए बोला. मैं कहता हूँ उस वक्त जो अल्कोहल यूज होता था और आज भी जो अल्कोहल यूज होता है मेनली वो नशे के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है. जो और अल्कोहल है ना जो फायदे के लिए, एंटीसेप्टिक, वो अल्कोहल नहीं है, नहीं उसमें भाई, नहीं जा हेलो हेलो सकता. हेलो हेलो वो हेलो, क्या बच्चों फिनॉल की है, बात कर वो रहे हो? फिनॉल है, वो नबेज फिटॉल है. नबेज नबेदा जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता था, और नबेदा जो है वो जख्मों की सफाई के लिए भी यूज होता था. आपके हदीसों में लिखा हुआ है. अच्छा ठीक है. आप आदम भाई मेरी बात ध्यान सुना. आपने मुझसे कहा था कि तुम मुझे साबित करो कि उस वक्त जो जो तुमने अल्कोहल बोला इथेनॉल, वो कुरान में लिखा इथेनॉल. इथेनॉल, इथेनॉल साबित करो ना मुझे. हाँ करो हाँ वही तो मैं अब मानने के लिए करो तैयार ही नहीं हूँ. करो. जो अल्कोहल कुरान में मेंशन है उस वक्त वो अल्कोहल नशे के लिए यूज होता था, दोनों कामों के लिए होता यूज था कि नहीं होता होता था. था? दोनों हाँ कामों के लिए यूज होता था. दोनों दोनों कामों का, के लिए यूज दोनों होता था. दोनों का, दोनों का आपने बिल्कुल. बोला दोनों. ठीक है, एक ही अल्कोहल ग्रुप है जो पिया जा सकता है, वो है इथेनॉल. आप कोई भी अल्कोहल ले लो उसको पिया नहीं जा सकता एक्सेप्ट इथेनॉल. इसका मतलब वो जो अल्कोहल वहां पे है जिसको पीते भी तो वो इथेनॉल ही होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर अल्कोहल अरे विच यूज. भाई साबित करना है, आपने बच्चों वाली बात कर रहे हो. अरे क्या बच्चों बात, अब मैंने प्रूव किया साइंटिफिकली, आप मुकर रहे हैं. हैं मैंने आप लोग साइंटिफिकली प्रूव यार, किया कि वो आपने अल्कोहल अभी इथेनॉल मेरे था. साथ, देखो आपने अभी मेरे साथ ये बात साबित की है. अरे यार भाई आर यू एजुकेटेड, आपने कहाँ तक पढ़ा यार? आई एम वेरी एजुकेटेड एंड यू आर अ सन ऑफ अ गन, बिकॉज दवाइयों के अंदर जो अल्कोहल होता है वो वही होता है जो कि पीने के लिए होता है. सो नाउ गेट द फक ऑफ फ्रॉम दिस चैनल बिकॉज यू आर एन इडियट. यू आर भाई मत पर्सनली करो, अटैकिंग मी. आपके पास मुझे पर्सनल आंसर. अटैक करने वाले जो है ना वो बहुत बड़े कुत्ते लगते हैं, कि उनसे ज्यादा कुत्ता कोई है नहीं.
ठीक है, नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे पीने के लिए भी, और नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे जख्मों की सफाई के लिए भी, ठीक है। और ये जो मेरी नबेदा वाली स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ। सो अभी तुमने मेरे साथ साबित भी किया कि हाँ वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था। अल्कोहल की जो डिफरेंट एक्साम है वो मच लेटर इन दी साइंस वो बनाई गई है। इट हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद, ठीक है। नबेज एक ही चीज है जो कि डेट से बन रही है, उस चीज से बन रही है। अगर दो डिफरेंट तरह की है तो वो आपको साबित करना है कुरान हदीस से। नहीं साबित कर सकते तो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज करो, यो तुम्हारे पास टाइम है, अब मुझे साबित करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ अब रेफरेंस दोगे, दैट्स इट, लास्ट चांस। अब मैं कहूं? नहीं, अब आप रेफरेंस देंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेफरेंस 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 दो, जो मैं कहूं उसका यस और नो में आंसर दीजिएगा। नहीं, अब आप रेफरेंस देंगे। रेफरेंस है यार, पागल इंसान। पहली बात, आवाज आ रही है क्या इसकी? आदम पहली जी सर आ रही है, रेफरेंस से ले लेंगे। अल्कोहल लिखा है वो इथेनॉल है, साबित करना भाई। हाँ हाँ, क्या साबित करना है भाई, क्या साबित करना है? बीपी मत, बीपी हाई हो जाएगा यार, बोलो कुरान में, मैं यार आराम से कुरान बैठा काम हूँ। के कुरान में जो अल्कोहल लिखा है वो एथेनॉल इथेनॉल है, यही साबित करना है ना? यस यस, कर जल्दी। अब कोई अब कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान सुनेगा। मेरे को एक बात बोलो आदम भाई, जो कुरान में जो अल्कोहल लिखा है क्या उसको लोग पीते भी थे? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? यस और नो? कंपनी को नहीं पिया जाता साहिल, भाई। मैं जाहिलों के साथ कितनी को बात करूं साहिल? नहीं, मैं वही, जब से मैं वही देख रहा हूँ कि ये इसको तुम इतना मौका क्यों दे रहे हो। साहिल भाई बहुत उम्मीद थी आपसे, मैंने आपसे अबे तेरे जैसे लोगों से, सुन, तेरे जैसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि तू हम पे उम्मीद रख, ठीक है? गधे इंसान, निपल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। कितने बार बोला कि साबित कर साबित कर साबित कर, तुम्हारे पास है नहीं कुछ साबित करने के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती का। इथेनॉल तुम्हारे अब्बा को मालूम था वो टाइम पे, इथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल क्या होता है, कुछ आता था तुम्हारे नबी को? वो एक बेचारे जो अपना खुद का काम कर रहे थे, वो लोग इसमें क्या कहते हैं उसको, खेत में, वहां पे भी जाके जबरदस्ती उंगली कर दी, उन बेचारों का नुकसान हो गया। बाद में जवाब दे दिया कि यार मैं भी सिर्फ दुनिया की बातें, अपना दीन की बातें मेरी लिया करो। अबे जब पता नहीं था तो वहां ज्ञान क्यों दे रहे थे रसूलुल्लाह, नुकसान क्यों करवा दिया उनका? पता था कोई? लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज पूछी थी एक मोमिन से कि कोई एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने नबी से साबित कर दो, कोई एक टेक्नोलॉजी। आता जाता तो कुछ था नहीं, इथेनॉल इथेनॉल कर रहा है, मालूम था तुम्हारे साहबा को रसूलुल्लाह को इथेनॉल क्या होता है?